वहीं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का राज्य स्तरीय सम्मेलन और राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर राजस्थान को मजबूत बनाना है। रही बात राजनीतिक मजबूती की, तो वो मैं वैसे ही मजबूत हूँ। मीडिया में चर्चाएं चलती रहती है कि सरकार या मुख्यमंत्री बदल रहा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये कहा और कहा कि मेरा इस्तीफा तो परमानेंट सोनिया गांधी के पास है, अगर कुछ होगा तो लोगों को कानों कान पता ही नहीं चलेगा। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आनंद चाहिए भाई कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, जानकार नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप जो है ये अफवाह में नहीं आया। अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूँ कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूज हो जाते थे, तो गवर्नेंस में भी फर्क पड़ जाता है। तो मुख्यमंत्री के बयान के मायने क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से स्थिति को स्पष्ट किया है, वो बार बार कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं कि अफवाहों से दूर रहिए, कुछ नहीं बदलने वाला है। जी विजन तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि राजस्थान कांग्रेस में शायद परिवर्तन हो सकता है, तो शायद ये जो शब्द है वो कई सारे सवाल जो है वो खड़े करता है, और शायद मुख्यमंत्री तक भी इसी शायद से उत्पन्न जो सवाल है वो उन तक पहुंचे थे, और पिछले 3 दिन से वो लगातार इस चीज का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और आज उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस्तीफा तो मेरा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा। उनके कहने का अर्थ यह है कि चूंकि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वही राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाता है, तो सारी पावर बनाने की केंद्र के पास होती है, किसी भी संगठन के केंद्र के पास होती है। तो अगर किसी भी मुख्यमंत्री को हटाना होगा या किसी को बनाना होगा तो सारी पावर तो केंद्र के पास जो है वो शक्ति होती है, तो वो चाहे तो बना दे चाहे तो बिगाड़ दे। तो बार बार अगर ये इस चीज की चर्चा की जा रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो उन्होंने एक मजाकिया लहजे में या अपनी बात कहने के एक अलग अंदाज में उन्होंने ये कहा कि मेरा इस्तीफा तो हमेशा उनके पास है, अगर परिवर्तन होगा तो आप तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, तो सीधा ही जो है वो वहां से आदेश आ जाएगा। तो कुल मिला के जैसा आपने देखा कि अभी ओटीएस में भी जो सारे आईएएस और आईपीएस का यानी कि प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का एक सम्मेलन था, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने इस चीज को अघोषित रूप से कहा था। उनका कहना था कि कुछ समय पहले मेरी सरकार गिराने का जो है वो प्रयास किया गया, लेकिन मेरे विधायक 10-10 करोड़ में भी नहीं बिके। अगर मेरे विधायक बिकते और आप सब प्रशासनिक अधिकारियों की दुआएं मेरे साथ नहीं होती तो आज इस मंच में कोई दूसरा मुख्यमंत्री खड़ा होता। तो इसका मतलब सीधा सीधा विजेंद्र समझा जाना चाहिए कि ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है वो अफवाहें मुख्यमंत्री तक पहुंची, और आज उन्होंने खुले शब्दों में और सीधी सीधी बात ये कही कि भाई मेयर को केंद्र ने, मतलब कि कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनको मुझे बनाए रखना या मुझे हटाना वो सब उनके ऊपर है। तो बार बार इस तरह की चीजें आती हैं, तो कोई भी व्यक्ति राजस्थान में जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अंदर विश्वास रखता है, जो राजस्थान की गहलोत सरकार में विश्वास रखता है, तो या जितने भी अधिकारी हैं वो इन अफवाहों से विचलित नहीं हो। मैं चूंकि मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। सुधांशु माथुर जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बार बार वो कहते हैं कि 5 साल वो कार्यकाल पूरा करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक बार फिर से साफ संदेश दिया है, क्या उसका मतलब ये निकाले कि तमाम अफवाहों पर एक पूर्ण विराम लगाया जाए, अल्प नहीं पूर्ण विराम लगाया जाए, और 5 साल सरकार पर सवाल ना हो?
देखिए पीएम गहलोत की टिप्पणियों के मायने हैं, गांधी परिवार के प्रति उनकी आस्था और गांधी परिवार का उनके प्रति विश्वास, यही इन पूरे बयान में साफ तौर पर झलकता है। आप लंबे समय से अगर अशोक गहलोत के पॉलिटिक्स को देखें जी, तो उन्होंने गांधी नेहरू परिवार को अपने शब्दों से और अपने सरकार की कार्य प्रणाली से जिंदा रखा है, प्रासंगिक बनाए रखा, गांधी नेहरू विचारधारा जिसे हम कहते हैं। अब ये जो सरकार है जिसमें अशोक गहलोत ने कोरोना के समय पूरे देश में जिस तरह का यहाँ पे काम किया वो एक मॉडल के तौर पर जाना गया, प्रधानमंत्री ने खुद ने प्रशंसा की। फिर उसके बाद जिस तरह का बजट आया, अगर अशोक गहलोत को हटाने की बात होती तो अशोक गहलोत को कभी भी बजट में वो फ्रीडम नहीं मिलता जो हमें बजट में नजर आया। इसी से मायने आप लगा लीजिए कि अशोक गहलोत ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया वो बजट अपने आप में साफ तौर पर ये जताता है कि आलाकमान का पूरा फ्रीडम उनके साथ रहा, आलाकमान ने उनको आगे की दिशा दे रखी है। अब बात सचिन पायलट की हो, ये अफवाहें क्यों उड़ी, ये अफवाहें उड़ी कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से दो चरणों की मुलाकात सचिन पायलट की दिल्ली में और उसके बाद सोनिया गांधी से मुलाकात। पहली मुलाकात में सचिन पायलट ने अपनी बात रखी और जो आखिरी मुलाकात सोनिया गांधी से हुई है उस मुलाकात में सोनिया गांधी ने उनको ये कहा है कि अब आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। अब क्या जिम्मेदारी होगी वो सोनिया गांधी को पता है जी। और सचिन पायलट को पता है, आला कमान को पता है। सचिन पायलट ने खुद ने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बदल रहा है, सचिन पायलट ने खुद ने कभी नहीं कहा कि सरकार का चेहरा बदल रहा है। सचिन पायलट ने यह कहा है कि इस तरह का पूरा रणनीति बननी चाहिए जिससे सरकार रिपीट हो, यही बात अशोक गहलोत कह रहे हैं जी। तो कोई भी अभी इस वक्त आपने देखा होगा पंजाब में चेंज किया, अमरिंदर सिंह को हटाया गया और हश्र क्या हुआ, कांग्रेस की जो सरकार जहां रिपीट होनी थी वहां वो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस खुद हाथ से धो बैठी। तो अब जब यहां पर अशोक गहलोत अपने आप में मॉडल के तौर पर, केवल अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री नहीं है, अशोक गहलोत एक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है, कांग्रेस की एक पाठशाला है और कई ऐसे नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है जो आज दिल्ली की राजनीति भी कर रहे हैं, जो कांग्रेस की राजनीति में टॉप पोजीशंस पर हैं। अशोक गहलोत की अपने आप में खुद चलती फिरती कांग्रेस है, जो राजस्थान से कई फैसले लिए जाते हैं पर्दे के पीछे जो अशोक गहलोत का जिसमें इनपुट होता है लेकिन वो सामने नहीं आते। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ गए। नरेश, आप लंबे वक्त से मुख्यमंत्री को कवर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के शब्दों को, मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को, मुख्यमंत्री के हाव भाव को और जिस तरीके से वो बयान देते हैं उसके अनेकों मायने होते हैं। अब जो मुख्यमंत्री ने कहा उसका आपकी नजर से क्या मायना निकाला जाए, क्योंकि आप लंबे दौर से मुख्यमंत्री को कवर कर रहे हैं, उन्हें फॉलो कर रहे हैं। देखिए विजेंद्र, जैसा अभी योगेश ने कहा कि जो मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा थी, सोनिया गांधी से मुलाकात थी, उसके बाद सचिन पायलट की मुलाकात थी, तो इन मुलाकात के बाद तीन चार दिन से जो भी चर्चाएं चल रही थी खुद मुख्यमंत्री ने उसका उल्लेख किया, तो एक तरह से मुख्यमंत्री ने अपने बयान से इन सब चीजों को खारिज कर दिया है। उनका यह कहना है कि पार्टी में फैसला आला कमान करता है और आला कमान को सभी अधिकार है और जब फैसला होगा तो किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होगी, यानी जो फैसले होते हैं उन सब फैसले में इस तरह की चर्चाएं नहीं होती, और अगर ये चर्चाएं हैं तो अफवाहें हैं, क्योंकि जब अफवाह आती है मार्केट में आती है इसका मतलब इनका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि जब बड़े फैसले हो, कुछ अहम फैसले हो, कांग्रेस को लेके हो, किसी अन्य चीज को लेके हो, तो उनसे पहले इस तरह की चर्चा नहीं होती, और अगर चर्चा हो रही है इसका मतलब उनमें कोई दम नहीं है। दूसरा जो मैसेज मुख्यमंत्री ने दिया है कि सोनिया गांधी के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है शुरू से ही, उसको एक बार फिर शब्दों में उन्होंने अपनी भावना के माध्यम से उजागर किया है कि वो तो सोनिया गांधी के प्रति समर्पित है, सोनिया गांधी जो फैसला करती है वो उनको मान्य होता है। यानी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने पहले दिन से जो बात की है, न केवल इस सरकार की बात की है बल्कि जब पहली बार सीएम बने थे तब से कह रहा है उनका कि मैं तो तब से ही जो है वो जो फैसला करती है वही मान्य है। वो मुख्यमंत्री भी बने हैं तो सोनिया गांधी के फैसले से बनी है, सोनिया गांधी ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। अब चूंकि जो चर्चा जो चलती है कि
कुछ लोग जो चर्चा इस तरह की फैलाते हैं, इस तरह की अफवाह फैलाते हैं, तो उनको भी एक तरह से, चूंकि इसका मतलब ये है कि तमाम चीजें मुख्यमंत्री के जहन में है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, और आलाकमान को भी ये सब चीजें पता है, तो ये साफ संकेत है एक तरह से कि जो कुछ भी फैलाया जा रहा है, जो कुछ भी अफवाहें होती है, उनमें इस तरह का कोई दम नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि दिल्ली में दौरा रहा था मुख्यमंत्री का, तो ये हमें समझिए कि अगर पीके भी कोई फॉर्मूला लाते हैं और सोनिया गांधी उस पर कुछ चर्चा करती है, तो अशोक गहलोत को बुलाया जाता है। यानी अशोक गहलोत की राय इतनी अहमियत है कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए, सोनिया गांधी के चूंकि विश्वास पात्र है, तो सोनिया गांधी पीके के फॉर्मूले को लेकर भी अगर कुछ बात करना चाहती है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है, तो अशोक गहलोत की राय उसमें सबसे अहम होती है, इसलिए अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाता है। न कि कोई राजस्थान को लेकर कोई फैसले को लेकर, बल्कि कांग्रेस संगठन को लेकर क्या किया जाए, पूरे देश में कैसे किया जाए, 2024 की क्या रणनीति बनाए, तो उस रणनीति के अहम किरदार अशोक गहलोत जब होते हैं सोनिया गांधी की नजर में, तब इन तमाम जो बातें होती है, तमाम जो चीजें होती हैं, वो दरकिनार साबित होती है। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।